हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने आधार कार्ड को अपने फोन से डाउनलोड करना तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की इस नॉलेजफुल वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिरकार हम अपने फोन से अपने आधार कार्ड को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये बिल्कुल एकदम फ्री है, जहाँ से आप बिल्कुल फ्री में अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, किसी भी दौरान अगर आप अपना आधार कार्ड भूल जाते हैं और आपको अपने आधार कार्ड की जरूरत पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं आप उसको इंस्टेंट डाउनलोड करके वहां पर दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बिना समय गवाए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर सर्च करना होगा myaadhar.uidai.government.in। जैसे ही दोस्तों इसको आप यहां पर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपल सा आपको यहां पर फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपल सा आपको यहां पर अपने आधार कार्ड की आईडी लॉगिन करनी होगी। तो यहां पर दोस्तों लॉगिन करने के लिए लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद दोस्तों यहां पर इस कैप्चा कोड को आपको यहां पर डालना है। दोस्तों यहां पर कैप्चा कोड भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बार बार यहां पर अपनी लॉगिन आईडी नहीं खोल पाएंगे, बार बार रॉन्ग बताएगा। तो दोस्तों यहां पर आपको कैप्चा बिल्कुल सही डालना है। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों आपको यहां पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। और दोस्तों जो भी नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहां पर डाल दीजिएगा। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों आपको यहां पर लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों सिंपल सा मैं भी अपनी यहां पर आधार कार्ड को लॉगिन कर लेता हूं। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपल सा अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर डाउनलोड आधार पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पर नीचे आपको सारी आधार कार्ड की आपकी डिटेल दिख जाएंगी। और दिखने के बाद दोस्तों आपको सिंपल से डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना होगा, जो कि राइट साइड कॉर्नर में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस पर क्लिक करते ही यहां पर आपका आधार कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों यहां पर इसको देखने के लिए कोई भी पीडीएफ व्यूअर डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से, अगर आपके फ़ोन में पहले से अवेलेबल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों उसके ज़रिए इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर वो पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आखिर है क्या, तो दोस्तों आपके आधार कार्ड के हिसाब से, जिस किसी का भी जो कोई भी आधार कार्ड है तो उसके हिसाब से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मेरा नाम है यश मित्तल, तो दोस्तों यानी कि आपके नाम के पहले फोर वर्ड्स, यानी कि दोस्तों मेरा नाम है यश, तो यश के पहले फोर वर्ड्स यश हो गए। और दोस्तों मेरी डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है उसके फोर डिजिट। तो दोस्तों जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको पासवर्ड का, जैसे दोस्तों मेरा नाम है यश मित्तल और मेरी ईयर है जो बर्थ ईयर है वो है 2002। तो दोस्तों यहां पर जो मेरा पासवर्ड होगा वो होगा YASH2002। तो यहां पर दोस्तों जैसे मैं और एक और एग्जांपल दे देता हूं, किसी का नाम है अमित कुमार और उसकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो है 1996। तो दोस्तों उसका पासवर्ड होगा AMIT अमित, और दोस्तों यहाँ पर जो ईयर है उसकी 1996, वो उसका यहाँ पर पासवर्ड होगा अमित 1996। तो दोस्तों यहाँ पर सारे कैपिटल लेटर्स में आपको अपना पासवर्ड जो नाम है वो डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं उसको डाल देता हूँ, अपने डेट ऑफ बर्थ और जो नेम है, मेरे फोर वर्ड्स हैं तो नेम का पहले डालना है आपको और ईयर का बाद में डालना है। जैसे ही दोस्तों मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पर मेरा आधार कार्ड खुलकर आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप पासवर्ड की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों बड़ी आसानी से आप यहां पर अपने फोन से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री में, यहां कोई चार्ज नहीं लगता है। तो दोस्तों वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज की इस नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली ही वीडियो में आपके लिए कुछ नॉलेज को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।